पुलवामा हमले पर ट्रंप ने कहा कुछ बड़ा करने जा रहा है इंडिया। सुप्रीम कोर्ट राफेल फैसले की समीक्षा संबंधी अर्जियों पर 26 फरवरी को करेगा सुनवाई। जम्मू कश्मीर के JKLF प्रमुख यासीन मलिक हिरासत में। पुलवामा हमले को लेकर अहमद पटेल ने मोदी सरकार की आलोचना की। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा, भारत पर क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। जगतगुरु रामानंदाचार्य हंस देवाचार्य का पार्थिव शरीर पहुंचा हरिद्वार, आज खड़खड़ी घाट पर होगा अंतिम संस्कार। भाजपा ने कहा पुलवामा आतंकी हमले पर कुछ दल देश के साथ नहीं दिखते। पुलवामा के बाद बोली पाकिस्तान सेना, हम युद्ध नहीं चाहते। UPATS ने सहारनपुर जिले से जैश के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार ने चुनावों से पहले कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, EPF ब्याज दर बढ़ाकर 8.65% की। लाखों के इंजेक्शन की लूट, फार्मासिस्ट का छात्र निकला मास्टरमाइंड। IGI एयरपोर्ट पर 10 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए RJD विधायक। शी जिनपिंग से मिले सऊदी के क्राउन प्रिंस, हुआ 10 अरब की रिफाइनरी का सौदा। पुलवामा हमले को लेकर अमेरिका में विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान ने कहा पंजाब सरकार के कब्जे में है जैश ए मोहम्मद का कैंपस। आतंकी को मदद करने पर पाकिस्तान को सजा, ग्रे लिस्ट में बरकरार। कोटा निरस्त होने पर IOC पर भड़के भारत के विदेशी कोच, कहा ये बेवकूफी है। रिकी भुई के शानदार शतक की बदौलत आंध्र प्रदेश ने बनाया सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड। AITA के मुताबिक डेविस कप के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा भारत।